हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फेस मसाज से चेहरे को बनाएं कैसे जवान। हमारी बढ़ती उम्र के साथ ही हमारी स्किन बहुत लूज हो जाती है और हमारी स्किन में रिंकल्स आदि भी आ जाते हैं। हमारी त्वचा को हमें फुल्ली हाइड्रेटेड रखना जरूरी है, इसलिए हमें कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए और हमें अपने चेहरे को नियमित रूप से संवारना और चमकाना भी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे मसाज स्टेप्स जिससे आप अपने स्किन को बढ़ती उम्र के कारण लटकने और आंखों के नीचे काले धब्बे से भी बचा सकते हैं, साथ ही आपके फेस पर आने वाले रिंकल्स को भी रोक सकते हैं। इस फेस मसाज से बहुत सारे फायदे हैं, इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा जिससे आपको मसाज के सारे स्टेप्स समझ में आ जाएंगे और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि घर पर ही कैसे आप अपने फेस की मसाज करें। सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धोकर टॉवल से क्लीन कर लें, फिर एक बाउल में नॉर्मल कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल गुनगुना कर लें और फिर अपने फिंगर टिप्स पर लेकर अपने गाल और माथे पर थोड़ा थोड़ा लगाएं। इसे अपने गालों पर उंगलियों के सहारे ऐसे गोल गोल मालिश करें जैसे कि चेहरे के आगे से कान की तरफ उंगलियां घूमें। सेकंड स्टेप, आप अपने उंगलियों को गालों से नाक की तरफ ले आएं और नाक की मालिश करें और अपनी उंगलियों को गोल गोल घुमाएं और अपनी त्वचा को ऊपर की तरफ उठाएं। थर्ड, आप अपने हथेलियों में थोड़ा तेल लें और अपने हाथों के हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें और फिर अपने चेहरे पर अपने जबड़े यानी कि जवाज से लेकर साइड से ऊपर की ओर उठाते हुए मालिश करें। फोर्थ, नाक के नीचे से आसपास दो उंगली रखें और हाथों को आंखों की तरफ पुश करें। अब आंखों की मालिश करते हैं। सबसे पहले हम आंखों के ऊपर के हिस्सों की मालिश करते हैं। इसके लिए आप अपनी उंगलियों को जहां से नाक और आईब्रो शुरू होती है वहां पर रखकर हल्के से दबाते हुए उंगलियों को बाहर की तरफ ऊपर की ओर घुमाएं और अंगूठे को आंखों की गुदे वाली जगह पर रखकर आप यही क्रिया दोहरा सकते हैं। अब एक एक उंगली आंखों के नीचे नाक की तरफ से आंख के कोने की तरफ घुमाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। और लास्ट स्टेप, माथे की मालिश। उंगलियों को हल्का दबाते हुए आईब्रो के बीच से साइड तक उंगलियों को फेरें। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों के फिंगर टिप्स को अपने माथे पर सजाएं और फिर उनको नीचे से बालों तक ले जाएं और फिर उन्हें गोल गोल भी घुमाएं। ये कुछ ऐसे फेस मसाज है जिसे आप अपने घर पर रेगुलर कर सकते हैं। थोड़ा टाइम निकाल कर आप अपने चेहरे पर मसाज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके आपके स्किन टोन को और साथ ही स्ट्रक्चर को भी सुधार देता है और आप इस मसाज के द्वारा लंबे समय तक जवां भी दिखेंगे। अगर आप थक जाते हैं तो आप अपने चेहरे को हल्का सा मसाज देंगे तो आप खुद रिलैक्स भी फील करते हैं। और अगर आप काफी टाइम तक कंप्यूटर पर बैठे काम करते हैं और आपके आंखों में थकान महसूस हो तो आप अपनी हथेली को रब करके अपनी आंखों पर 2 मिनट तक रखें, इससे आपकी आंखें रिलैक्स फील करेंगी। अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो आप अपने फिंगर टिप्स को अपने सर के साइड में गोल गोल घुमाएं, इससे आपके सर के दर्द में आपको राहत मिलेगी। आप इस मसाज में कोई भी आयुर्वेदिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन लचीली और मुलायम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।